आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शालीमार एनक्लेव कमलानगर में श्री मजिनेन्द्र पंच कल्याणक मानस्तम प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है। महोत्सव में तीसरे दिन आचार्य श्री 108 गिरिसागर जी महाराज के सानिध्य में भगवान श्री 1008 आदिनाथ के तप कल्याणक के धार्मिक क्रियाओं में भक्तजनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कमलानगर के शालीमार एनक्लेव स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मानस्तम्भ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है। महोत्सव में आचार्य श्री 108 गिरिसागर जी महाराज के सानिध्य में भगवान श्री 1008 आदिनाथ के तप कल्याणक की धार्मिक क्रियाओं में भक्तजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान भक्तजनों ने कलाकार की श्री जी के चरणों में प्रस्तुत भजनों पर जमकर डांस किया। श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मानसम प्रतिष्ठा महोत्सव में आचार्य श्री गिरिसागर जी महाराज के साथ अंतस्मती माता जी का सानिध्य भक्तजनों को मिल रहा है। इस दौरान माता जी ने भगवान श्री 1008 आदिनाथ के तप कल्याणक के महत्व के ऊपर प्रवचन देते हुए भक्तजनों में धर्म की प्रभावना की। आज हम यही कहना चाहते हैं कि सभी को स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के द्वारा ही हमें ज्ञान होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय के बाद में विसर्ग यानी मोह छोड़कर भगवान का नाम लेना, और जो एक था ध्यान, छठवां जो है, जो छठवां अंतरंग तप है वह ध्यान है। तो हमें ना तो कभी जो है स्वाध्याय के समय मोक्ष होता है और किसी भी ना उस समय, ना प्रायश्चित के समय, ना विनय के समय, ना बह्यवृत्ति के समय, ना स्वाध्याय के समय, केवल ध्यान के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है और हम सभी निरंतर ध्यान करते हैं। श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मानसम प्रतिष्ठा महोत्सव में धार्मिक क्रियाओं को भक्त जनों द्वारा संपन्न करा रहे ब्रह्मचारी धीरज भैया ने बताया कि इस महोत्सव में पाषाण से कैसे भगवान बनते हैं, इसके दर्शन का धर्म लाभ भक्त जनों को मिल रहा है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एक पाषाण से भगवान बनने की, परमात्मा बनने की यात्रा का नाम है कि किस तरीके से भगवान बना जाता है। एक पाषाण अपने आप को कुशल कारीगरों के हाथों में जब सौंपता है तो उसके माध्यम से उसके जीवन का जो नवनिर्माण एक प्रतिमा रूप में होता है, वैसे ही ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जीवों के नवनिर्माण की कला है कि यह जीव आत्मा से परमात्मा कैसे बने। नर से नारायण बनने की जो यात्रा है वो पंच कल्याणक के माध्यम से सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त करता है। कमलानगर शालीमार एनक्लेव के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पास पार्क में चल रहे महोत्सव में भाग ले रहे भक्त जनों में हर्ष का माहौल नजर आया। आज जन्म कल्याणक का दिन है और तप कल्याणक का दिन है और इसके बाद में कल ज्ञान कल्याणक होगा, भगवान का शमुश्रण लगेगा और भगवान की वाणी खिलेगी। जो जो जिसके प्रश्न हैं, जो जो जिसकी भ्रांतियाँ हैं वो सब दूर होंगी और 13 तारीख को यहाँ भगवान मोक्ष के लिए पधारेंगे और उनका मोक्ष कल्याण होकर भगवान बन जाएंगे। 8 दिसंबर से चल रहा श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मानसम प्रतिष्ठा महोत्सव 14 दिसंबर को समाप्त होगा। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।